पीएमएलएन के प्रोफेसर वजीर वफाकी वजीर एहसन इकबाल हमेशा ऐसी कोई हरकत कर देते हैं कि लोग उन पर जुमले कसने लगते हैं और उन्हें ही ऐसी हजीमत का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे बाज नहीं आते। अब की बार एहसन इकबाल जब स्टेडियम में अवाम को हाथ हिलाकर ये जाहिर कर रहे थे कि अवाम उनसे बहुत प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, ऐसे में वीडियो में क्या नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर आपको ये बताते हैं कि ये पहला मौका नहीं है, इस तरह पहले भी कई बार हो चुका, लेकिन बुनियादी वजह क्या है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एहसन इकबाल यूं फातिहाना अंदाज में हाथ हिला रहे हैं कि जैसे अवाम उनसे मोहब्बत का वालेहाना इजहार कर रहे हैं, लेकिन कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वीडियो में सुना जा सकता है कि पीटीआई के नारे लगाए जा रहे हैं और जिनका ये ख्याल था कि लोगों को पकड़कर जेलों में डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर अवाम के दिल से पीटीआई की मोहब्बत निकाल ली जाएगी, उन्हें जवाब मिल गया होगा। अब एहसन इकबाल की बात की जाए तो ये पहला मौका नहीं, बल्कि इससे पहले मोटरवे पर भी जब ये सिर्फ कॉफी लेने के लिए उतरे तो वहां भी आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि लोग इनके खिलाफ नारे लगाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाने पर मजबूर हो गए। एहसन इकबाल जानबूझकर ऐसी कोई ना कोई बात कर देते हैं, लेकिन फिर चूंकि हुकूमत में है, वफाकी वजीर है, इस वक्त ताकत उनके पास है, उन लोगों को घर से निकाल कर नारोवाल बुलाया गया और उन लोगों ने जाकर माफी मांगी तो एहसन इकबाल की अना को तस्कीन पहुंची और सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार किया गया। लेकिन पीडीएम की हुकूमत में ऐसे कुछ खास लोग हैं जिसमें मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल और इस तरह की दीगर कुछ शख्सियात हैं जो कि हमेशा अवामी मुकामात पर जाते हैं और उन्हें वहां ऐसी ही हजीमत का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि अवाम के दिल से ऐसे मोहब्बत नहीं निकाली जा सकती। इमरान खान ने इसीलिए कहा कि मुझे फिक्र तो तब हो जब मेरा वोट बैंक कम हो रहा हो, ये जो कुछ कर रहे हैं इससे रोज बरोज मेरा वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है।